पोस्ट हार्वेस्ट में आपको देखना होगा पहले कि पौधे में किस तरह की ग्रोथ है। जैसे कि आपने पहले यहाँ पे कट मारा था, उसके बाद देखो आप यहाँ की ग्रोथ कितनी हुई। ऊपर तक लगभग 4-5 फीट की ग्रोथ हो गई है, और इस साइड भी एक अलग से शूट निकल गया है, इसमें भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको नीचे मतलब फर्टिलाइजर अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि इसमें क्रॉप देखो आप बहुत ज़्यादा कम लगी थी, बहुत कम क्रॉप थी, कहीं कहीं क्रॉप आई है ठीक है। और बाकी भी मैं इसमें अभी खाली है, देखो ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी मैं, तो इसमें आप न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा है। आपको न्यूट्रिशन ऐसे प्लांट में देना है जिसमें आपकी क्रॉप ज़्यादा ही है और आपकी ग्रोथ लगभग कम हो। बर्ड्स जो है इस साल भी कुछ वीक थे, नेक्स्ट ईयर के लिए ये वाले बर्ड्स देखो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर रिंग करके हमने कंट्रोल कर दिया, लेकिन यहाँ बर्ड्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, इस तरह के स्पर्स बन गए हैं। नेक्स्ट ईयर के लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसके जिम्मे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गए और काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं अभी। मैं तो आपकी ब्रांच में इस तरह की देखो आप, इस तरह की प्रोनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे देखो आप ब्रांच को, यहाँ पे देखो कितने स्पर्स है। काटने के लिए कुछ भी नहीं, देखो प्रोनिंग के लिए कुछ भी नहीं, बीमा ही बीमा है इसमें। ये देखो स्पर्स कितने सारे बने हैं ऊपर तक एक ही ब्रांच में। फिर देखो नेक्स्ट ब्रांच ये वाली, तो इसमें देखो आप काटने के लिए कुछ नहीं है, खाली बीमा बीमा है बीमा है। ये देखो ये भी स्पर्स बने, ये देखो इतने सारे ब्रांचेस, मतलब काटने के लिए नहीं है कुछ भी नहीं है। इधर से देखो पूरा एक सिंगल ब्रांच चली है यहाँ से ऊपर को, इतना स्पर है इसमें बनाया हुआ, पुराना प्लांट है। तो इसमें देखो ऊपर तक कुछ भी नहीं है, मतलब एक टॉप होगा ऊपर बस खाली, बाकी सारा टोटली स्पर्स बने देखो इसमें सारे। इधर से देखो आप पूरी ब्रांच में, एक एक ब्रांच में, मतलब आपका सन पेनिट्रेशन आपको पूरा होना चाहिए प्लांट में। तो इतना बड़ा प्लांट है तो इसमें देखो आप एक एक ब्रांच जो है पूरी, इसमें देखो आप पूरा यहाँ पे देखो ब्रांचों में पूरा ऊपर तक कोई भी ब्रांच देखो आप। अब बीमा इधर आके दिखाओ, बीमा आपका यहाँ से स्टार्ट है, पीछे से यहाँ से स्टार्ट है। काटने के लिए कुछ भी नहीं, आपको कैंची आपकी लगेगी नहीं कहीं भी, कुछ भी नहीं टॉप टूप करने को। ये देखो ऊपर तक, इसमें ऊपर तक कितना सारा बीमा है एक ही ब्रांच में। अब बीमा आपको आप पे डिपेंड करता है, आपने सिंगल डबल जैसे भी रखना है, जितनी क्रॉप लेनी है आपकी, जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी, इस तरह स्पर्स तैयार करने हैं। ये देखो यहाँ पे प्लांट्स में ये स्टॉप किया, यहाँ पे देखो यहीं पे स्पर्स बन गए हैं बहुत सारे। ये वाला देखो यहाँ पे ये स्टॉप किया है, एक बार दो बार तीन बार। अब ये देखो नेक्स्ट ईयर का बीमा है ठीक है, ये उसके बाद सेकेंड ईयर का और ये थर्ड ईयर का बीमा कॉम्बिनेशन होना चाहिए तीनों में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, 3 साल का बीमा एक साथ तैयार होना चाहिए। इस तरह से बीमे बनने चाहिए, ये नहीं कि भाई इस साल क्रॉप दे दी, अब इस साल यहाँ देखो आप इस साल इस बीमे ने क्रॉप दी, इसके साथ एक छोटा बीमा और निकल गया ठीक है, और इसके साथ ये दूसरा बीमा तैयार है। ये इस साल का बीमा था, ये अब नेक्स्ट ईयर का बीमा है, और थर्ड ईयर के लिए ये बीमा तैयार हो गया। इस तरह से प्रूनिंग करते हैं आप, इस तरह के बीमे तैयार करते हैं पेड़ में, तो आपका जो है ऑन ईयर ऑफ ईयर का जो कंसेप्ट है पुराने प्लांट्स में, बड़े प्लांट्स में, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आपको हर इसमें भी इसी तरह का बीमा तैयार करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर ये देखो आप, सेकेंड ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए वाला बीमा है हमारे पास ठीक है, ये वाला और ये वाला लग रहा है, और ये वाला थोड़ा वीक है तो ये आपका नेक्स्ट ईयर काम आएगा। एक ही जगह पे आप तीनों साल का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर का बीमा तैयार करना पड़ेगा आपको, इस तरह की प्रूनिंग होनी चाहिए आपकी। ये नहीं कि आपका एक ही साल में एक ही जगह सारे बीमे लग जाए, सारे फ्रूटिंग में आ जाए और नेक्स्ट ईयर का आपका बचे कुछ नहीं। आपकी प्रूनिंग फिर इस तरह से होनी चाहिए, आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का तीनों साल का बीमा आपका एक बार इकट्ठा तैयार होना चाहिए एक ही प्लांट में, इस तरह की प्रूनिंग होनी चाहिए आपकी। बाकी इसके इसके बारे में विंटर में अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो ये अभी कुछ बीमों के बारे में बताया था आपको मैं, और पोस्ट हार्वेस्ट नीचे सॉइल में दे नहीं रहा कुछ, क्योंकि मेरी ग्रोथ जो बता रही है ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखो आप कितने शूट्स निकल गए इसमें, इतने पुराने प्लांट्स हैं, ये कट लगा है
यहाँ से ऊपर देखो आप कितनी ग्रोथ निकल गई, यहाँ 3-3 फुट ग्रोथ है। तो इसमें नाइट्रोजन अप्लाई करने का मैं स्टॉप कर रहा हूँ इस बार, नाइट्रोजन इसमें डालूंगा नहीं बिल्कुल नहीं, आगे जाके विंटर में डालूंगा इसमें। अभी मैं पोस्ट हार्वेस्ट इसमें मैंने फॉलियर स्प्रे जो किया अभी वही दूंगा, ऊपर से फॉलियर में दूंगा, सॉइल में इसमें कुछ नहीं दूंगा अभी मैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑर्चर में किस तरह की ग्रोथ है और आपकी कैसी सिचुएशन है प्लांट की। अगर आपके फ्रूटिंग प्लांट में ज़्यादा आई थी तो आप न्यूट्रिशन नीचे अप्लाई कर सकते हैं, हमारे इसमें फ्रूटिंग कम थी, हमने क्लीन नाइट्रोजन या कोई और पोटाश वगैरह सुपर वगैरह कुछ भी नहीं डाले नीचे, या नाइट्रोजन कोई कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमारी क्रॉप कम थी, तो हम ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहे। क्रॉप कम की वजह से पौधे ने वेस्टेड ग्रोथ ज़्यादा ले ली है। तो आपको आपके ऑर्चर में किस तरह की ग्रोथ है या आपकी क्रॉप किस तरह की थी, अगर आपकी ज़्यादा क्रॉप थी तो आपको न्यूट्रिशन फिर अप्लाई करना पड़ेगा नीचे, फॉलियो तो करना ही करना है। हमारे इस तरह की स्थिति है तो हमने अपनी सिचुएशन बताई है आपको। पोस्ट हार्वेस्ट में आप डाल सकते हैं नीचे एनपीके वगैरह डाल सकते हैं जो आपको सही लगता है, तो हमने तो हम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हमारे क्रॉप भी कम थी और तो साथ में वेटेड ग्रोथ भी ज़्यादा है, इस वजह से हम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे पोस्ट हार्वेस्ट में, हम सिर्फ खाली फॉलियर में कर रहे हैं। अभी हमने बड बिल्डर किया है, उसके बाद हमारे को 10-1 दिन के बाद हम हल्का हल्का कहीं फूल या फिर की दिक्कत है, उसके लिए हम थोड़ा थोड़ा स्पॉट ट्रीटमेंट ही करेंगे, कहीं कहीं स्प्रे मारेंगे थोड़ी बहुत करेंगे। बाकी आप ब्लाइट डॉग्स वगैरह जैसे आपके इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप जैसे इधर कहीं फ्रूटिंग जैसे लगी होती है उस पर घाव वगैरह बन जाता है, उस पर आप कॉपर बेस्ड कुछ भी आप स्प्रे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस किस तरह की, आप उस तरह से कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं, अभी सिंगल किया हमने बड़ बिल्डर, उसके साथ में कुछ भी डाला कॉम्बिनेशन में, उसके बाद ब्लाइट डॉग्स की अब देखते हैं करने की जरूरत, पर जैसे लग नहीं रही क्योंकि क्रॉप भी कम थी इस साल, तो हमने बड बिल्डर अप्लाई किया है, उसके बाद देखेंगे अगर वुली एफ्ट की दिक्कत आएगी तो हम डरमेट वगैरह ये कुछ इस तरह का अप्लाई करेंगे। इंसेक्टिसाइड हमने पूरे साल में कुछ भी यूज़ नहीं किया, अभी हम फर्स्ट टाइम इस पर, अभी देखेंगे अगर दिक्कत आई तो। बाकी हम एक बार भी हमने इंसेक्टिसाइड पूरे साल मतलब यूज़ ही नहीं किया है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आपकी मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहते हैं आप, अगर आपकी हैवी क्रॉप थी तो आप एनपीके वगैरह नीचे अप्लाई करें, अगर आपकी कम क्रॉप थी फिर आपको नीचे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आपकी प्लांट आपको खुद ही बता देगा। अगर आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप नाइट्रोजन तो नीचे डालो ही मत, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये देखिए अब जाला का प्लांट, यहाँ पे फ्रूटिंग थी, नेक्स्ट ईयर के लिए ये देखो तैयार है, उसके बाद आपका ये वाला देगा। वैसे गला में मैक्सिमम पिन्स में लगते हैं, जो पिन्स है ये मोटी मोटी हो जाएगी तो इसमें फूटिंग आती है, पर इसको इस तरह से बीमा तैयार करना पड़ता है, इसमें इसको भी स्टॉप करके रोकना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये देखो इसमें स्पर्स किस तरह के तैयार हुए, यहाँ पर देखो आप, ये देखो कितने सारे स्पर्स ऊपर तक, इधर साइड में देखो आप, इधर से इतने स्पर्स, इस तरह के स्पर्स खुद तैयार करने पड़ते हैं प्रूनिंग से, इस तरह से रोक के जब बैक फ्लो मारेगा, तो यहाँ देखो यहाँ पे यहाँ फ्रूटिंग थी, ये नेक्स्ट ईयर के लिए आएगा, ये उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए। वैसे गला और इसमें ग्रेनी स्मिथ में इसमें आपकी फ्रूटिंग मैक्सिमम पिनों भी आती है सारी, तो ये आपकी गला की होगी, रॉयल की बताई मैंने आपको पहले। अब ये वाला प्लांट है, ये हमारा ग्रेनी स्मिथ का प्लांट है, अभी इसमें हार्वेस्टिंग के लिए का लगभग 10-15 दिन के बाद करनी पड़ेगी इसमें हार्वेस्टिंग। और इसके साथ ही देखो आप नीचे जूम करके दिखाओ, बड़ा प्लांट है उसमें बीमा देखो आप कितना है, कितना ज़्यादा है, और वेजिटेटिव ग्रोथ देखो बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस बार इसमें अभी नाइट्रोजन तो बिल्कुल बंद कर रहा हूँ इस साल, एक साल के लिए अभी, मतलब आगे डालूंगा इसमें मतलब फेब या मार्च में डालूंगा। अभी देखो इसमें कितनी ज़्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा शूट्स निकल गए, 3-3, 4-4 फुट के शूट्स निकले हैं, तो इसमें नाइट्रोजन इसका मतलब ज़्यादा है सॉइल में। तो मैं लगभग इसी तरह से आइडिया लगाता हूँ कि भाई अभी की जो है ग्रोथ से पता लग जाता है कि आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो आप नाइट्रोजन कम कर दो, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ होगी तो बीमा आपका फिर बन नहीं पाएगा। अब ये वाला प्लांट है, इसमें वही सिचुएशन है, तो एक एक ब्रांच सिंगल है अलग से, ये देखो यहाँ पे, यहाँ देखो किस तरह से रोक दिया इसको, यहाँ पे देखो कितना स्पर तैयार कर दिया, यहाँ पे इधर भी स्पर है, ये देखो यहाँ पे सिर्फ एक हल्की सी रिंग आएगी, पीछे बीमा तैयार है, ऊपर तक बीमा तैयार है, यहाँ पे एक हल्की सी रिंग आएगी और आगे जाके ये वाली ब्रांच यहाँ से रिंग पे कटेगी,
या इसको थोड़ी हटा ही दूंगा क्योंकि ऊपर है, दोनों ग्रोथ में जाएगी, और आगे एक सिंगल रखूंगा, एक टॉप लगेगा बस। वैसे ही इस ब्रांच में ये भी अलग है, ये अलग है, हर एक ब्रांच अलग है, तो पूरा सन प्लांटेशन का ध्यान रखा गया इसमें, कोई इस तरह की प्रूनिंग नहीं। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट कर दिया, इसमें लीव्स काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है, फिर भी लगभग जो बची है वो फिर भी काफ़ी ठीक ही है लगभग, क्योंकि ज़्यादा बारिशों की वजह से इस बार थोड़ा लीव्स का लीव फॉल काफ़ी हो गया था, तो फिर भी बर्ड हमारा बिल्कुल एकदम, ये दिखाओ ज़रा, एकदम स्ट्रॉन्ग है बर्ड, बर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, लीव्स भले ही आपकी ड्रॉप हो चुकी है, बर्ड हमारा एकदम स्ट्रॉन्ग है, बर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो बर्ड, बर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, बर्ड एकदम सही है। गला मैंने खराब किस तरह स्टॉप किया है, बीमा तैयार किया पूरा, ये देखो इतना बीमा ही देखो, यहाँ पे किस तरह का बीमा तैयार है, ये देखो ऊपर तक पूरा बीमा ऐसे ही तैयार है, पीछे से लेकर एक ब्रांच, ये अलग से ब्रांच, इसमें देखो कितने बीमे यहीं तैयार है, गला में आपने रेयर ही देखे होंगे इस तरह के बीमे, ये देखो यहाँ से स्टॉप किया, यहाँ से स्टॉप किया, यहाँ से स्टॉप किया, ये देखो यहाँ पे इतना सा बन गया, ये अलग से बन गया, ये वाला ये अलग से बन गया, ये अलग से बन गया, इसमें आपकी फुटिंग आ जाएगी पूरी ऊपर तक, एक एक ब्रांच है आपकी इसी तरह से बनी हुई, देखो हर जगह बीमा ही बीमा है, पूरे में देखो इसमें ब्रांच है, बीमा ही बीमा है, और यहाँ देखो इसमें बीमा है इधर से ऊपर तक पूरा। आपका पहले बीमा सेलेक्टेड होना चाहिए, और बीमे में थोड़ी जान होनी चाहिए फुटिंग के लिए, तो आपकी रेगुलर ड्रॉप आती है। पोस्ट हार्वेस्ट हमने इसमें सब में कर दिया, इधर से भी पुराने भी, पुराने पौधों में आप ग्रोथ कितनी ज़्यादा चली, तो क्या इसमें नाइट्रोजन अप्लाई करनी, इतनी ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है नाइट्रोजन में, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट में बिल्कुल स्टॉप कर रहा हूँ, खाली फॉलियर करूँगा बस। और एक ग्रेन इसमें देखो आप, इसमें बर्ड का अटैक हो गया ग्रेन इसमें, बाकी फ्रेश है फ्रूट ग्रेन इसमें, कभी साथ साथ में दिखाया था आपको, एकदम फ्रेश है एकदम ग्रेन इसमें, तीन दाने लगे तभी तीनों इक्वल है, साइज एकदम ज़बरदस्त है साइज़ है, देखो इतना साइज है इसमें। ये बर्ड ने थोड़ा डैमेज कर दिया, देखो बर्ड ने खाना शुरू कर दिया, अब इसकी हार्वेस्टिंग जल्दी करनी पड़ेगी, फ्रूटिंग इसमें अच्छी है ग्रेन स्मिथ में। आज का वीडियो हमारा था पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन से रिलेटेड, इस पर हमने खाली कुछ नहीं, हम फॉलियर कर रहे हैं इस बार, कि हमारे वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा है ऑर्चर में, तो हम तो फॉलियर ही कर रहे हैं, सॉइल में हम कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे सॉइल में। तो ये हमारा वीडियो था आज का, एक छोटा सा वीडियो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट से लेकर, जो हमने किया है, जो अपनी हमारी प्रैक्टिस है, कुछ मैंने आपको बीमों का दिखाया किस तरह के बीमे तैयार है, बाकी लीव की दिक्कत तो इस बार सारे में ही है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि बार से ज़्यादा हुई है। तो आज का वीडियो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट से रिलेटेड था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।